हाय गाइस, जिन लोगों ने टाटा स्टील पार्टली पेड अप के शेयर लिए हुए हैं उन लोगों को मेल तो मिल गया। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पेमेंट किस तरीके से की जाए। उस मेल में काफ़ी तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं, ASB ऑनलाइन, फिजिकल और इसी तरीके से दो तीन ऑप्शन और दे रखे हैं। मैंने भी जानने की कोशिश की कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट रह सकता है और मैंने अपनी रिसर्च की जिससे कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। वैसे पर्सनली मेरा कोई भी शेयर टाटा स्टील PPT पार्टली पेड का लिया हुआ नहीं है, बट मैंने आप लोगों की परेशानी को देखते हुए एक आसान तरीका खोजा जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि 1 मार्च से पहले मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छे से तरीके से समझा दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या आपको फिल करना पड़ सकता है। और आपको कहीं भी बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको आप चाहें तो नेट बैंकिंग और अपने UPI से पेमेंट बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक वेबसाइट है। आपने शायद ध्यान भी दिया होगा, जब आपने मेल खोला होगा तो उसमें एक RBAP का ऑप्शन भी पेमेंट के लिए दे रखा है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, अब इसको मैं ओपन करके आखिर वो दिखाऊंगा कि आपके लिए किस तरीके से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, कितनी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपकी आसानी के लिए मैं इस वीडियो को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फिल करना पड़ सकती हैं, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, तो अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप उस वेबसाइट का नाम जो आपको मेल में मिला था डाल सकते हैं, या आप वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। linkintime.co.in ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। इस पर जाने के बाद आपको इस तरीके से वेबसाइट ओपन होते हुए दिखेगी। इसके बाद आपको मेनू में जाने के बाद राइट इशू के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पहुँच जाएंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर कंपनी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। कंपनी इसमें टाटा स्टील दिखाई नहीं है क्योंकि अभी वो लिस्ट नहीं हुई है, 1 मार्च तक आपको वेट करना होगा, वो यहाँ दिखाने लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अपना DMAT का जो एक ID नंबर होता है 16 अंकों का, वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे ही आप वो डाल देंगे उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक CF नंबर जो आपको मिलेगा और शेयर हेल्थ, जो आपके शेयर्स आपने टाटा स्टील के ले रखे थे वो यहाँ पर दिखाएगा, और कितने आप राइट इशू कर सकते हैं वो दिखाएगा। दोस्तों ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, बाकी जो मेन प्रोसेस है वो तो 1 मार्च को मैं करके आपको दिखाऊंगा आपकी आसानी के लिए। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लेन पेपर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है, फ़िलहाल आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप DP ID यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद पैन नंबर आप यहाँ डालेंगे और रेजिडेंट को यहीं इंडियन रहने देंगे, मोबाइल नंबर और email ID डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपका शेयर होल्डर नेम दिखाएगा, फिर एप्लीकेशन नंबर, इसको कोई इफ़ अवेलेबल इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर दिखाएगा जो आपके हैं, और इसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर एंटाइल दिखाएगा जो इशू हो सकते हैं। यहाँ पर उम्मीद है कि सारे के सारे ही शेयर्स दिखाना चाहिए। नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाई में आप सारे के सारे शेयर्स डाल सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन अमाउंट में वो अमाउंट आ जाएगा जितने आपके शेयर्स पर पे करने होंगे। उसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आपको बैंक डिटेल कैसे भरनी है। आप बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से बैंक डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग और UPI दोनों का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, IFSC कोड डालिए, अकाउंट होल्डर जो नाम है वो डालिएगा। इसके बाद अकाउंट टाइप सेलेक्ट कीजिए, सिंगल जॉइंट जैसा भी है, और इसके बाद आप बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा, री एंटर कीजिएगा बैंक अकाउंट नंबर, और इसके बाद आपको यहाँ हो सकता है कि कैंसिल चेक लगाना पड़े तो आप कैंसिल चेक लगा सकते हैं, और इसमें लिखा है कि 5 MB मैक्सिमम फाइल साइज होना चाहिए। चेक कैंसिल क्या होता है आप गूगल और यूट्यूब करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, खाली कैंसिल लिखना होता है वहाँ पर चेक में और उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन है, इन पर टिक करना है। टिक करने के बाद फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं की है, लेकिन
जब आप टाटा स्टील पार्टली पेड का जो कंपनी है लिस्ट हो जाएगी राइट इश्यू के लिए, उसके बाद आप वो सारे काम कर पाएंगे। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपके लिए एक आसानी हो जाए और आपके जो एक टेंशन है माइंड पे कि किस तरीके से क्या करना है वो दूर हो जाए। बाकी मैं नेक्स्ट 1 मार्च को जब वो ऑप्शन अवेलेबल होगा तो मैं एक कंप्लीट वीडियो आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट कैसे कटेगी, कितने टाइम में शेयर्स आएंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर 1 मार्च को पेमेंट का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स।